के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देश को सशक्त और मजबूत सरकार देने के लिए 19 मई को जरूर निकलें वोट देने। कराया विशाल जनसभा से 80% से अधिक मतदान करने का संकल्प। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने वाले कर्मियों के साथ डीएम ने की मीटिंग, कहा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर दर्ज होगा FIR। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में बोले रवि किशन शुक्ला, हम नचनिया नहीं कलाकार हैं। फिल्म सिटी के माध्यम से दिए हैं 50,000 लोगों को रोजगार, जीतने के बाद और चमकेगा गोरखपुर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने रवि किशन की जीत के लिए लोगों से की अपील। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मियों को IG DM SSP ने पढ़ाया नसीहत का पाठ, कहा पोलिंग एजेंटों मतदाताओं तथा मीडिया से ना करें कोई अभद्रता, शांतिपूर्वक संपन्न कराएं मतदान, ना होने पाए कोई बदनामी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, इस देश ने रानी लक्ष्मीबाई के जौहर को भी देखा, उनकी शक्ति को भी देखा, उनके पराक्रम को भी देखा। भाजपा की शोभा, भाजपा की शान और भाजपा की वो शक्ति जो युद्ध की भूमि पर विजयश्री का तिलक लगाती है हर प्रत्याशी के माथे पर। 19 मई को होने वाले चुनाव में मतदान कार्मिकों के ड्यूटी पर लगी आखिरी मोहर। शनिवार को मतदेय केंद्रों पर रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के मुहिम। संघ जुड़े गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी के लोग और CMO ने जनता से किया अपील, उत्साह की तरह जरूर करें मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए निकाला गया व्यापारी सम्मान रथ यात्रा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिव्येंद्र त्रिपाठी ने व्यापारियों के साथ न्याय करने की कही बात। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, एक बार फिर बनेगी मोदी सरकार, मेहनत लाएगी रंग कार्यकर्ताओं की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गोरखपुर की सड़कों पर स्मृति ईरानी ने स्कूटी रैली के जरिए BJP प्रत्याशी का किया प्रचार। विश्व रक्तचाप दिवस के अवसर पर CMO ने दिए सुझाव, कहा प्रतिदिन करें व्यायाम, जरूर करें मॉर्निंग वॉक। पुरातन छात्र परिषद के तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की जयंती की पूर्व दिवस पर आयोजित हुई संगोष्ठी, वक्ताओं ने महंत दिग्विजयनाथ के व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला प्रकाश। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली।